बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हमारा देश, लोग कहते हैं पहनावे से रेप होता है, छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है। यार तुम लोग लड़कियों को तो बहुत देखते हो कि वो छोटे कपड़े पहन रही है। कभी ये किसी लड़के से कहना कि बेटा इज्जत से देखा कर लड़की को, गंदी नजर से नहीं, पहनावे से रेप होता है। यार आप ही लोग बताओ उस 9 महीने की बच्ची को आप क्या पहनाते? I want the answer. आप उस 9 महीने की बच्ची को आप क्या पहनाते? हमारे देश का ना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई इधर से बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कोई उधर से बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है। एग्जीक्यूट करना ना कोई नहीं जानता। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हजारों हैं, एग्जीक्यूट करना कोई नहीं जानता। लॉ ऐसा होना चाहिए कि कोई हैवान किसी की जिंदगी बर्बाद करने से, जिंदगी बर्बाद करने तो क्या, उसके बारे में सोचने पे से भी कांपे, पर नहीं, यही करना है। यार कानून लॉ को अपने हिसाब से चलने दो, कम से कम आप लोग तो कुछ चक्कर कर सकते हो। या हर एक पेरेंट से मुझे कहना है, हर एक पेरेंट से मुझे यहां कहना है, आप लोग कहते हो अपनी बेटी को बेटा छोटे कपड़े मत पहनो, अकेले बाहर मत जाना। मैं जानती हूँ आपको चिंता है अपनी बेटी की कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, पर ना मैं ये आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपनी बेटी को ये सब कहने से बहुत अच्छा है, इट्स 100 मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपनी बेटी को एक छोटी सी सीख दे दो, अपने बेटे को ये सिखा दो कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना, इज्जत से देखना उसको, गंदी नजर से नहीं। अगर देश का हर एक बेटा ऐसा हो गया ना, तब 100% श्योर यार 95% ऐसे केसेस खत्म हो जाएंगे। यार कोशिश तो कर सकते हो ना आप लोग, शायद आपकी एक कोशिश किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। यार हमारी जिंदगी बच जाएगी थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। एक लड़की होना इंसान होना है, कोई जानवर नहीं। अपनी बात को अपने ही पास रखना, कोई पेश नहीं। मेरे कपड़े के पहनावे पे बोलने वाले तुम हो, सवाल उठाने वाले तुम हो, मेरे मर्जी पे हक जताने वाले होते कौन हो तुम? कब समझेगी ये दुनिया एक लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?